दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केएल राहुल की घातक बीमारी को लेकर आखिरकार अपडेट आ चुका है। और क्या केएल राहुल फिर से टीम से जुड़ पाएंगे? क्या वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम के साथ जाएंगे, या फिर भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में होने वाली 5 मैचों की लंबी टेस्ट सीरीज में वो टीम का हिस्सा बन भी पाएंगे या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब अब मिल चुका है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या केएल राहुल को टीम में खिलाना चाहिए नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब आईपीएल 2021 चल रहा था तो अचानक दिल्ली की टीम के खिलाफ केएल राहुल बतौर कप्तान के तौर पर मैदान पर नहीं उतरे, बल्कि वो तो टीम में नहीं थे। और जब इस मामले की जानकारी की गई तो पता चला कि केएल राहुल तो टीम में ही शामिल नहीं है, क्योंकि दोस्तों बीती रात केएल राहुल को अचानक हॉस्पिटलाइज करना पड़ चुका था। उनके पेट में इतनी तेज दर्द हुआ कि सीधा उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि केएल राहुल एक्यूट अपेंडिसाइटिस से गुजर रहे हैं और इस बीमारी में अमूमन तौर पर सर्जरी होती है। और दोस्तों, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सीधा केएल राहुल का मुंबई के लिए रेफर कर दिया गया था। हालांकि इसके 2 दिन बाद ही पूरा आईपीएल का टूर्नामेंट रद्द हो चुका था, लेकिन सब इस बात से भी चिंतित थे कि आखिरकार केएल राहुल के साथ क्या होगा। आपको बताए दोस्तों कि मुंबई रेफर होने के बाद अब तक केएल राहुल पर कोई अपडेट नहीं आया था। हाँ, बीसीसीआई ने उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप व भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की टीम में शामिल जरूर किया था, लेकिन अभी भी इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि केएल राहुल तो ठीक नहीं है और उनको फिटनेस का हवाला देकर अभी बाहर रखा हुआ था। मतलब कि दोस्तों, अगर केएल राहुल और रिद्धिमान साहब फिट नहीं पाए जाते तो वो दोनों ही जगह पर नहीं खेलते नजर आएंगे। लेकिन अब केएल राहुल को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, केएल राहुल की यह सर्जरी 3 मई को हुई थी और आमतौर पर कोई भी खिलाड़ी या इंसान सर्जरी के बाद 15 से 16 दिनों में पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो जाता है। केएल राहुल को आज पूरे 14 से 15 दिन हो चुके हैं और खबरें तो ये आ रही है कि केएल राहुल 19 मई से भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बायो बबल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, खबरें यहाँ तक है कि सबको मुंबई में बायो बबल में लाया जाएगा और अब सभी खिलाड़ी मुंबई में एकत्रित होना भी शुरू होने लगे हैं। जून के महीने की शुरुआत में ही दोस्तों, हमारी टीम के सभी खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी 5 से 6 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड होगा और फिर ही उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद प्रैक्टिस मैच भी होगा और फिर फाइनल खेला जाएगा। लेकिन अब इस अपडेट से ये तो सुनिश्चित हो चुका है कि केएल राहुल भी टीम के साथ ट्रैवल जरूर करेंगे। और दोस्तों, केएल राहुल के बाद आप सभी को क्या लगता है, क्या इस सीरीज के लिए वाकई में पांड्या को भी खिलाना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।